नमस्कार, न्यूज सुपर सेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। अभी आज की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक थी जो फरवरी माह की थी, वो संपन्न हो चुकी है। बहुत लोग कयास लगा रहे थे, जो शिक्षक सातवें चरण की अभ्यर्थी थे उनका कयास ये था कि इस बार सरकार उनका रुख होली से पहले साफ कर देगी और वित्त विभाग को सातवें चरण के लिए 50% नियुक्ति के लिए वित्त विभाग को पत्र भी सौंपा जा चुका था कि इस कैबिनेट में उस पत्र को कुछ सरकार विचार विमर्श करके और उस पर अपनी फैसला सुनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सातवें चरण की नियुक्ति पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छी खबर भी है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा से बच्चे वंचित थे, लेकिन कंप्यूटर की शिक्षा को इस बार सरकार ध्यान देते हुए 7,360 शिक्षकों की बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों विद्यालयों में एक एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करने का फैसला सुनाई है। तो जी हाँ, कंप्यूटर के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, हालांकि इस पर अभी सरकार ने अपना जो इसके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो अभी नहीं सामने लाया है, लेकिन बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगी। जब वो सामने आए कि बहाली का प्रक्रिया, उस पर भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है कि 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को हरी झंडी सरकार ने इस कैबिनेट में दिखा दिया है। साथ ही साथ 7 जिलों में छात्रावास बनेगा, ये भी सरकार का बड़ा फैसला है। उसके साथ साथ रोहतास जिले में खासकर जो डेयरी ऑनसन है वहां पर 10 कोर्ट भवन, वहां पे जो अनुमंडलीय कोर्ट है उसके अंतर्गत 10 कोर्ट भवन बनाने का भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो आप तैयार रहें, ऐसे ऐसे कैबिनेट में जो नए नए फैसले लिए गए हैं इस पर सरकार काफी सख्ती से इसको तत्काल रूप से लागू करने का भी विचार किया है। लेकिन सातवें चरण के अभ्यर्थी को निराशा हाथ लगी है। सरकार का जो होली से पहले उनको उम्मीद था कि जो वित्त विभाग को पत्र सौंपा गया है उस पर कैबिनेट में विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस दुखद खबर के साथ साथ सुखद भी है कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली इस बार सरकारी स्कूलों में होगी। सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब कंप्यूटर की पढ़ाई विषयों के तौर पे करेंगे। हालांकि अभी डिजिटल युग में निजी संस्थानों में कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, लेकिन सरकारी विद्यालयों में यह अनिवार्यता नहीं की गई थी, लेकिन यह भी अब अनिवार्य कर दी गई है। तो ऐसे खबरों के लिए आप बन रही है हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं विदा, धन्यवाद।